स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित जनपद के विभिन्न परियोजनाओं को CMIS पोर्टल पर प्रविष्ट एवं अद्यतन सूचनाओं को अपडेट कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होने वाले कार्यों को पोर्टल पर अपडेट किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद, उप नगर आयुक्त अवनीन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इस पोर्टल के माध्यम से क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और किस प्रकार डेटा क्या मैं दूंगा वो सीधे रिपोर्ट्स वाले में हेमंत। उसके बाद बैकएंड पे आपको डेटा किस प्रकार फीड करने होंगे और आपको किस किस पैटर्न में आप इसके रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं उसके बारे में भी। आई होप ये प्रेजेंटेशन सबको विजिबल है। वाराणसी, कैन यू जस्ट कंफर्म? यस सर, दिस इज विजिबल। नेक्स्ट, देखिए किसी भी अधिकारी के या डिपार्टमेंटल नोडल अधिकारी के लॉगिन से आप जब CMIS पोर्टल पे जाएंगे सो ये पहला स्क्रीन होगा जो आपको विजिबल होंगे। तो इसमें दो प्रकार के आपके फाइल चार्ट आपको विजिबल होंगे। नंबर वन, आपके टाइम ओवरमेंट जो समय अवधि जो निर्धारित है, अगर किसी परियोजना को आपको सपोज 12 महीने में कंप्लीट करना है तो उसके सापेक्ष कुल ऐसे कितने परियोजनाएं हैं जो आपके समय सीमा के अंदर हैं और कुल कितने परियोजनाएं हैं जो टाइम ओवररन हो रहा है। और सेकेंड की टोटल आपके कुल परियोजनाएं कितने हैं, उसमें कंप्लीटेड कितने हैं, उसमें लेस देन 50% प्रोग्रेस में कितने हैं, 50 to 75, 75 to 90 as you can see। तो ये एक brief description आपको आपकी initial login में मिल जाएगा। Next, so ये आपके CMIS dashboard का एक view है। So I'm not very sure कि आपको ये कितने visible होंगे, लेकिन मैं quickly इसको explain करता हूँ। Columns 1 to 8, तो कॉलम्स 1 to 8 आपके इंसेप्शन स्टेज में है, जैसे परियोजना का नाम क्या है, विभाग कौन सी है, ऑब्वियसली आपके केस में 99 केसेस में विभाग नगर विकास विभाग ही रहेंगे, और इसके कार्यकारी संस्था कौन सी है, और स्वीकृत लागत क्या है। एक दो कॉलम्स इसमें ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए रेलेवेंट होंगे, दैट इज कॉस्ट रिविजन एंड कॉस्ट एस्केलेशन। तो नॉर्मली ये फील्ड उन विभागों के लिए है जिनके फंड्स शासन स्तर से EFC और PFAD के माध्यम से स्वीकृत होते हैं और निर्गत होते हैं। तो एंड कॉलम नंबर 8 है आपका टेंडर की स्थिति, टेंडर की क्या स्टेटस है, टेंडर हो चुका है या नहीं हो चुका है। नाउ इसमें जितने भी इंजीनियर्स हैं या नोडल ऑफिसर्स उपस्थित हैं, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कॉलम नंबर 9 है जहाँ पे एक्टिविटी का डेफिनेशन हो रहा है। जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट सपोज 5 करोड़ का है या 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है या रोड का कंस्ट्रक्शन है, उस प्रोजेक्ट को आप 4 या 5 सब एक्टिविटीज में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सड़क का निर्माण है तो उसमें आपको यूटिलिटी की शिफ्टिंग, अर्थवर्क, GSP और इस तरह की अलग अलग BC, इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ये एक्टिविटी वाले कॉलम में व्हाट इज एक्सपेक्टेड है कि आपके पूरे परियोजना को 4 या 5 मीनिंगफुल सब एक्टिविटीज के रूप में आप डिवाइड कर। नाउ इसका रीजन ये है कि आपके एक्टिविटी का प्रोग्रेस आमतौर पर जब रिव्यू किया जाता है तो ये होता है कि जो नॉर्मल आपके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आता है वो उसमें बेसिक डिटेल्स ये रहता है कि अमाउंट धनराशि कितना है, उसके सापेक्ष व्यय धनराशि कितना है और प्रोसेस पूरा उसका प्रोग्रेस क्या है। नाउ CMIS के माध्यम से आप इंडिविजुअल एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ नगर आयुक्त साहिबान उपस्थित हैं या अपर नगर आयुक्त साहिबान उपस्थित हैं, इस पॉइंट को थोड़ा क्लियरली समझ लीजिएगा कि आपके जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं उसको 4 या 5 एंड अप टू 10, जैसे 10 एक्टिविटी उन प्रोजेक्ट्स में आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पे
50 to 60 crores के projects अगर हैं तो उसको 5 to 6 crores के 8-10 sub activities में divide हो सकते हैं. But आपके मोस्टली छोटे छोटे प्रोजेक्ट है तो उसमें आई वुड रिकमेंड कि 4 या 5 सब एक्टिविटीज में आप उसको डिवाइड करें. नाउ आगे के जो 5 कॉलम हैं, इफ यू सी कॉलम नंबर 5, 10 to 15, ये इंडिविजुअल सब एक्टिविटी के प्रोग्रेस को कैप्चर करेगा. हर एक एक्टिविटी किस तारीख को प्रारंभ होगी, हर एक एक्टिविटी किस तारीख को खत्म होगी और इसका क्या लक्ष्य है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रीट लाइट्स लगाने, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में आपको स्मार्ट रोड का डेवलपमेंट करना है विच इंक्लूड स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो, तो एक्टिविटी का लक्ष्य दैट इज कॉलम नंबर 12, वहाँ आप लिख सकते हैं कि कितने स्ट्रीट लाइट्स आप लगाने का प्लान कर रहे हैं. सो सपोज इट इज 50 स्ट्रीट लाइट्स एंड एक्टिविटी का टाइम स्पैन इज 3 months, तो आप लिख सकते हैं कि एक्टिविटी प्रारंभ होने का तिथि आपका रहेगा सपोज 1st of December 2020, एक्टिविटी खत्म होने का आपका दिनांक रहेगा 1st of February 2021, और एक्टिविटी का लक्ष्य 50. 50 इज बेसिकली द फिजिकल नंबर दैट यू आर इंटेंडेड टू डिलीवर.